पूरा के पूरा कॉर्निश हमारे पीछे, पूरा कॉर्निश दिखाई दे रहा है आपको पीछे। और ये है दफना की ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स। चारों तरफ फिशिंग का माहौल है और ये मछली पकड़ने के जाल पड़े हुए हैं। हम लोग बस घूमते घूमते ऐसे ही आ गए थे। बोट्स खड़ी हुई हैं, ये सब फिशरमैन की बोट है और वो मेरे पीछे बैठे हुए भी हैं, फिशिंग करने वाले लोग। तो आपको मछलियों की खुशबू सूंघनी है तो यहाँ आओ। और ये है कतर का मछली मार्केट। यहाँ पर पूरे आसपास के समंदर से मछलियाँ पकड़ के लाई जाती हैं। ये सब नावें हैं जो मछली पकड़ के लाती हैं और फिर यहाँ पर मछली बेची जाती है। कतर का मछली मार्केट देख के आप लोगों को कैसा लगा? ये देखिए, यहाँ पे सब चारों तरफ काउंटर्स बने हुए हैं, इसमें मछलियाँ बेची जाती हैं। पीछे जो नावें हैं वो सब मछली पकड़ने के लिए हैं, वहाँ से मछली पकड़ के उन नावों के ज़रिए यहाँ आती है और ये फिर यहाँ इन काउंटर्स में बिकती हैं। आज हम अचानक से आ गए हैं हज़्म मॉल में और आप देख सकते हैं कि ये कितना खूबसूरत मॉल है। मैंने एक बार पहले आपसे कहा था कि मैं आपको हज़्म मॉल दिखाऊंगा और आप कहेंगे कि ये वाकई कतर का सबसे खूबसूरत मॉल है। आप देख रहे होंगे कि हज़्म मॉल में और हज़्म मॉल की खूबसूरती एक से ही बनती है, बहुत ही लग्जरियस खूबसूरत मॉल। ओपन है, ऊपर से बिल्कुल ही पूरा के पूरा जगह जगह पेड़ लगाए गए हैं और फाउंटेन्स बना दिए गए हैं। ये है हज़्म मॉल। उम्मीद है आपको हज़्म मॉल देखने में मज़ा आ रहा होगा। पीछे से देख सकता है आपको बहुत ही खूबसूरत अंदाज में, जैसे एक पैलेस बना हुआ है इस तरीके से यह हज़्म मॉल बनाया हुआ है।
आपने देखा कि हज मॉल कैसा है। उम्मीद है आपको हज मॉल अच्छा लगा होगा। और अभी तो बस मैं ऐसे ही आ गया था तो मैंने एक ओवरव्यू दे दिया। चलो नेक्स्ट टाइम कभी डिटेल में बनाने की कोशिश करूँगा हज मॉल के ऊपर एक ब्लॉग, और उसको फिर सही से कवर किया जाएगा उसके अंदर। तो अब चलते हैं हज मॉल से बाहर और टाटा बाय बाय कह देते हैं इसको। और नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो और कोशिश करेंगे बहुत अच्छे से ये ब्लॉग बनाया जाए। इस बार भी वैसे हमने अच्छे फुटेज लिए हैं, आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो जब तक के लिए मा सलाम।